फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नोटिफिकेशन नंबर 24 जून को इशू की थी और हमने ये डिस्कस भी की थी। इसके लाइन नंबर 30 में पॉइंट फिफ्थ में लिखा था सेक्शन 54 और 54GB। कैपिटल गेन में इसकी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो 30 सितंबर 2020 तक, मतलब इन्वेस्टमेंट करके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते थे, टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया था। बट ये कंफ्यूजन आई थी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 54 और 54GB, बट ऐसा इंटेंशन नहीं था। इसका मीनिंग था 54 से लेकर 54GB तक, कि बीच में जो भी सेक्शन आएंगे 54B, F या GH, उन सभी के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन इशू किया 29 जून को और इसने नोटिफिकेशन नंबर 35 जो 24 को इशू हुई थी उसे अमेंड कर दिया। इन लाइन 30 जो हमने देखा 54 और 54GB को आपको रीड करना है 54 to 54GB। ये तो हुआ पहला चेंज। दूसरे चेंज के लिए आपको नोटिफिकेशन रेफर करनी पड़ेगी जो 26 जून को इशू हुई थी और इसने इनकम टैक्स रूल को अमेंड कर दिया है और जिसे बोलेंगे 13th अमेंडमेंट रूल। ये चेंज इफेक्टिव हो जाएंगे असेसमेंट ईयर 21-22 से, मतलब आपके लिए एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। और ये किन के लिए रेलेवेंट है? जो पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे लोअर इनकम टैक्स रेट को चूज करके, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप लोअर स्लैब रेट को चूज करते हो या जो ओल्ड रेट स्लैब रेट है वही चूज करते हो। और हमें कंडीशन पता है कि अगर आपको लोअर रेट ऑफ स्लैब को चूज करना है तो उस केस में आपको कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80C to 80U की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्लेम नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये सारी कंडीशन है। बट अभी इनकम टैक्स रूल में चेंज किया है और आप 3 points की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा रूल 2BB आफ्टर सब रूल 2 फॉलोइंग सब रूल इंसर्ट किया है जिसका नाम है सब रूल 3। इसने बोला हुआ है कि सब रूल 1 और सब रूल 2 में जो भी लिखा हो उसको नहीं देखना है, बट इंप्लॉई जो चूज कर रहे हैं लोअर रेट में टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 115BAC वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है उन क्लोजेस की जो मेंशन है ए से लेकर सी तक ऑफ सब रूल 1 और जो मेंशन है सीरियल नंबर 11 में ऑफ द टेबल बिलो सब रूल 2। तो इसके लिए हम चलेंगे कहां पर? अपने सब रूल 2BB में। ये आ गया सब रूल 2BB। उसने बोला कि आपको क्या अलाउ हो जाएगा, रूल 1 का ए से लेकर सी तक पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो अगर आप 115BAC में भी टैक्स पे करोगे विद लोअर इनकम टैक्स रेट। एबीसी क्या बात करता है? एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर, एनी अलाउंस टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड दैट फ्री कन्वेंस आपके पास नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो आपको अलाउंस मिल रहा है, अगर फ्री कन्वेंस होगा तब तो अलाउंस देगी नहीं कंपनी। फ्री कन्वेंस नहीं है इसीलिए तो आपको अलाउंस मिल रहा है और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप लोअर इनकम टैक्स रेट को भी चूज करोगे। दूसरा चेंज कहां है उसके लिए हम फिर से नोटिफिकेशन में जाएंगे। इन रूल 3 इन सब रूल 7 क्लोज 3 के बाद प्रोवाइजो के बाद एक और प्रोवाइजो ऐड किया है। तो चलते हैं अपने रूल में। इसके लिए आपको रेफर करना होगा रूल 3। रूल 3 में आपको जाना होगा सब रूल 7 में, ये सब रूल 7 और फिर क्लोज 3। इसके फर्स्ट प्रोवाइजो के बाद एक और प्रोवाइजो ऐड किया है। ये क्या बोलता था कि अगर कोई कंपनी फ्री फूड देती है या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस देती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो वो एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, बट अगर वो फ्री फूड की वैल्यू या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की वैल्यू अप टू ₹50 पर मील है तो वो इंप्लॉई के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। अब ये कैसे होता है, जैसे मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। जब मैं काम करता था तो हर कंपनी एक ₹90 की थाली देती है हर दिन के लिए, जिसमें से 45 कॉस्ट कंपनी खुद बियर करती है, 45 रुपीज हमें अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। तो जो मैं ₹45 पे कर रहा हूँ वो तो पे कर ही रहा हूँ, बट जो ₹45 कंपनी मेरे बिहाफ पर पे कर रही है वो मेरे लिए एक अलाउंस है जिसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता।
यहाँ पर क्या लिखा, डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज पर मील, तो ये मेरे लिए एग्जेम्प्ट होता है। अभी ये जो प्रोविजो ऐड किया, इन्होंने बताया कि ये जो एग्जम्पशन है, ये जो इस प्रोविजो में बताई गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस थ्रू पेड वाउचर शैल नॉट अप्लाई टू एन एम्प्लॉई जो लोअर इनकम टैक्स रेट को चूज करेगा अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 BAS। तो मतलब अगर किसी कंपनी ने फ्री फूड की फैसिलिटी दी है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब वो सिर्फ कूपन कंपनी में ही लग सकता है, तो वो एग्जम्पशन उस एम्प्लॉई के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी जिसने लोअर रेट को ऑप्ट किया होगा, उसके लिए ये टैक्सेबल ही होगा। और यही इस न्यू नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप नीचे प्रोविजो देख लो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एग्जम्पशन प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट प्रोविजो इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय सच एम्प्लॉयर थ्रू पेड वाउचर शैल नॉट अप्लाई टू एन एम्प्लॉई बीइंग एन एसएससी who has exercised option under subsection 5 of section 115 BAC। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।